गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, अपने आज धोरण पांच हिंदी विषय नी अंदर अपने अग्यारमो पाठ चालू सच्चा बालक। तो तमने आ सच्चा बालक ना प्रश्न आवड़ी गया हसे। तो हवे आगळ जोईशु हिंदी दैनिक पत्र। दैनिक पत्र एटले पेपर आपणे वांचीए छीए, बराबर। अहमदाबाद, रविवार 28 ऑगस्ट 2011। क्यानुं पेपर छे आ? 28 ऑगस्ट 2011। 2011 पेपर छे, 28 तारीखनुं, रविवारे अने अहमदाबाद। वडोदरा में पहली बार गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा स्थापित। वडोदरा नी अंदर पहली वक्त गणपति दादा नी आ माटी नी बनावेली मूर्ति स्थापित करवामां आवी छे। विद्यार्थी मित्रों, तमे बधा गणेश चतुर्थी मां जाता हशो, बराबर। गणपति दादा नी मूर्ति शेनी होय छे? માટીની હોય છે। તો આપણે ગણેશ ચતુર્થી ક્યારે ઉજવીએ છીએ વિદ્યાર્થી મિત્રો? તો ભાદરવા સુદ ચોથ ના દિવસે ગણેશ ચતુર્થી ઉજવવામાં આવે છે। તો વડોદરા શહેરની અંદર પહેલી વખત ગણપતિની મૂર્તિ, માટીની બનાવેલી મૂર્તિ સ્થાપિત કરવામાં આવી છે। वडोदरा उत्सव प्रिय नगरी। वडोदरा में गणेश उत्सव के कुछ ही दिन शेष होने से शहर के छोटे मोटे युवक मंडलों द्वारा गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करने के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई है। विद्यार्थी मित्रों, आपने पण अपना शहर नी अंदर, अपना गामना नी अंदर પણ ગણપતિની મૂર્તિ મૂકવામાં આવે છે। એમાં અમુક યુવક મંડળો દ્વારા ગણપતિની તૈયારી કરવામાં આવે છે। તો આ ઉત્સવ પ્રિય નગરી માટે વડોદરા શહેરની અંદર ગણેશ ઉત્સવ માટે અમુક દેશોની અંદર કોઈ દિવસ બાકી હોય, અમુક દિવસો વિદ્યાર્થી મિત્રો બાકી હોય, ત્યાંથી આપણે ગણપતિ દાદાની તૈયારી કરવા મળીએ છીએ। ત્યાં આગળ તોરણો બાંધીએ, સાફસૂફી કરીએ, બરાબર। તો આ અમુક યુવક મંડળો છે, નાના મોટા એવા મંડળો દ્વારા ગણપતિની પ્રતિમા મૂર્તિ સ્થાપિત કરવા માટે તૈયારીઓ શરૂ કરી દીધી છે, બરાબર। આની અંદર નાના બાળકો પણ તૈયારીમાં આવે છે, મોટા બાળકો પણ આવે છે અને વૃદ્ધો પણ આવે છે। એટલે આ વડોદરા શહેરની અંદર ઉત્સવ મનાવવા માટે ગણપતિની તૈયારીઓ શરૂ કરી દીધી। એસે સમય पर्यावरण तथा पीओपी के प्रतिबंध को ध्यान में रख शहर के राजमहल रोड स्थिति ताल फलिया सार्वजनिक युवक मंडल ने इस वर्ष पहली बार गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया है। कयो रोड छे? राजमहल रोड। कयो युवक मंडल छे? ताल फलिया सार्वजनिक युवक मंडल। विद्यार्थी मित्रों, ફળિયા હોય છે, બરાબર, ફળિયાઓના નામ હોય છે। આ યુવક મંડળનું નામ છે તાળ ફળિયા સાર્વજનિક યુવક મંડળ। આ વર્ષમાં પહેલીવાર ગણપતિની મૂર્તિની પ્રતિમા સ્થાપિત કરવાનો નિર્ણય લીધો છે। તાળ ફળિયા યુવક મંડળ દ્વારા પ્રથમવાર 22 ફૂટ ઊંચી તથા
800 किलो वजन की विशाल काया गणेश जी की प्रतिमा बनाने का बीड़ा उठाया गया है। तालफलिया युवक मंडल द्वारा जो पहली बार गणपति की मूर्ति स्थापित करे कितनी 22 फुट ऊंची विद्यार्थी मित्रों परीक्षा में पूछा से। तालफलिया युवक मंडल द्वारा 22 फुट ऊंची तथा 800 किलो वजन कितलू 800 किलो वजन विशाल काया गणपति ने मूर्ति ने प्रतिमा स्थापित करवामां आवी छे कितली विद्यार्थी मित्रों 22 फूट ऊंची 22 फूट ऊंची अने 800 किलो वजन कितलू वजन 800 किलो वजन ની મૂર્તિ અહીં સ્થાપિત કરી છે। પ્રતિમા કે નિર્માણ કે લિયે કોલકાતા સે વિશેષ મૂર્તિકાર तपन मंडल के कलाकारों को बुलाया गया है। आ मूर्तिकार जो मूर्ति बनावे छे तेने शू कहे छे विद्यार्थी मित्रों मूर्तिकार। तो आ मूर्तिकार कलकत्ता थी तपन मंडल के कलाकारों ने बुलाया गया है। यह कलाकार पिछले 1.5 माह से शहर का मेहमान बना है। मूर्तिकार ज्या बनावे छे ते कलाकार कितला महीना थी 1.5 महीना थी आ शहर में मेहमान बना छे। विद्यार्थी मित्रों आपने मकान बनावता होय तो मकान बनावता 10 मास थाय 12 मास थाय तो अपना घरे आवे तो अपने एने शू कहीए मेहमान कहिए। तो आ मेहमान केटला महीनाथी आव्या छे 1.5 महीना आ शहरनो मेहमान बन्यो छे तथा शास्त्रोक्त विधि के अनुसार यह गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा को अंतिम रूप दे रहा है। तो शास्त्रोक्त विधि अनुसार गणपति ने आ मूर्ति की प्रतिमा अंतिम रूप में राखी छे। विद्यार्थी मित्रों आपने हवे दैनिक पत्रना प्रश्नोना जवाब जोईशुं। आ दैनिक पत्रना प्रश्नोना जवाब परीक्षा में पूछाशे बराबर। तो प्रश्न 1 अखबार में छपा समाचार कब प्रसिद्ध हुआ है। तो अपने आमांथी जवाब जोईशुं क्यारे प्रसिद्ध थयो। तो आयरो एनो जवाब अखबार में छपे समाचार 28 अगस्त 2011 के दिन प्रसिद्ध हुआ है। अखबार में जे दिवसे पेपर नी अंदर छाप्यू छे ते दिवस कयो हतो रविवार। कई तारीख हती 28 कयो महीनो हतो ऑगस्ट ने साल 2011। तो जवाब में लखीशू अखबार में छपे समाचार 28 अगस्त 2011 के दिन प्रसिद्ध हुआ है। हवे अपने बीजो प्रश्न जोईशुं समाचार की हेडलाइन पढ़िए। तो समाचार की हेडलाइन बड़ोदरा में पहली बार गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा स्थापित समाचार छे। तो समाचार ની હેડલાઇન મોટા અક્ષરે છે
वडोदरा में पहली बार गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा स्थापित। समाचार किसके बारे में है? तो समाचार वडोदरा में गणेश उत्सव के लिए तैयार होने वाली गणेश जी की 22 फुट ऊंची और 800 किलो वजन की मिट्टी की प्रतिमा के बारे में है। तो समाचार की हेडलाइन है, किसके बारे में है? तो समाचार वडोदरा शहर में गणेश उत्सव में तैयारियां होने वाली गणेश जी की 22 फुट ऊंची तथा 800 किलो वजन की मिट्टी की प्रतिमा के बारे में है। समाचार के संदर्भ में कोई 4 प्रश्न बनाकर उत्तर लिखे। तो आ समाचार छे, तो एने आपणे 4 प्रश्नों बनावाना छे। ये किस शहर के बारे में है? तो ये वडोदरा शहर के बारे में है। कौन से मंडल ने गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करने का निर्माण किया? तो ताड़फलिया सार्वजनिक युवक मंडल ने गणेश जी की प्रतिमा स्थापित स्थापित करी। गणेश जी की प्रतिमा किससे बनाने का निर्माण किया? तो गणेश जी की प्रतिमा मिट्टी से बनाने का निर्माण किया। प्रतिमा निर्माण के लिए किसको बुलाया गया है? तो प्रतिमा निर्माण के लिए कोलकाता से विशेष मूर्तिकार को बुलाया गया है। निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द ढूंढिए। समानार्थी शब्दों, विद्यार्थी मित्रों, समानार्थी शब्दों परीक्षा ની અંદર પૂછાશે, તો તમારે તૈયાર કરવાના રહેશે। નગર, નગર નું સમાનાર્થી શબ્દ શહેર। બડી, વિશાલકાય। બડી નું સમાનાર્થી શબ્દ વિશાલકાય। ગણપતિ, ગણપતિ નો સમાનાર્થી શબ્દ ગણેશ। ખાસ, ખાસ નો સમાનાર્થી શબ્દ વિશેષ। અતિથિ, અતિથિ નો સમાનાર્થી શબ્દ મહેમાન। મૂર્તિ, મૂર્તિ નો સમાનાર્થી શબ્દ પ્રતિમા। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમને સમાનાર્થી શબ્દો આવડી ગયા હશે। નગર, નગર તો શહેર। બડી, વિશાલકાયા। ગણપતિ, ગણેશ। ગણપતિ તો ગણેશ। ખાસ, ખાસ નો સમાનાર્થી શબ્દ વિશેષ। અતિથિ, અતિથિ નો સમાનાર્થી શબ્દ મહેમાન। મૂર્તિ, મૂર્તિ નો સમાનાર્થી શબ્દ પ્રતિમા। તો સમાનાર્થી શબ્દો વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને આવડી જાય? હા,
नगर शहर, बड़ी विशालकाया, गणपति गणेश, खास विशेष, अतिथि मेहमान, मूर्ति एटले प्रतिमा। विद्यार्थी मित्रों हवे आपणे स्वाध्याय जोईशुं। प्रश्नों के उत्तर दीजिए। काफिला कहाँ जा रहा था? वो काफिला बगदाद की ओर जा रहा था। बालक की उम्र कितनी थी? बालक की उम्र 9 साल की थी। लड़के के पास कितनी अशर्फियाँ थी? तो लड़के के पास 40 अशर्फियाँ थी। लड़के ने अशर्फियाँ कहाँ रखी थी? लड़के ने अशर्फियाँ अपने सदरी के अस्तर में रखी थी। लड़के की माँ ने उसे क्या सीख दी? तो लड़के की माँ ने उसे हमेशा सच बोलने की सीख दी थी। डाकुओं ने लड़के से क्या सीखा? डाकुओं ने लड़के से ईमानदारी सीखी। उन्होंने सोचा कि इतना छोटा लड़का अपनी माँ की सीख मानकर चलता है और हम है कि अपने भगवान के बनाए हुए नेक रास्ते पर नहीं चलते। उस दिन से उन्होंने लूटमार करना छोड़ दिया और नेक रास्ते पर चलने की प्रतिज्ञा दी। अब्दुल कादिर की समाधि कहाँ है? तो अब्दुल कादिर की समाधि बगदाद में है। सच बोलने वाला बालक कौन था? सच बोलने वाला बालक का नाम अब्दुल कादिर था। तो हवे विद्यार्थी मित्रों बीजो प्रश्न जोईशु। सही जोड़ मिलाइए। कड़ककर बोलना वाक्य प्रयोग कीजिए। एनी साथे पण आपणे वाक्य प्रयोग करवानो छे। कड़ककर बोलना, कठोरता से बोलना। पिताजी कड़ककर बोले तो नौकर ने चोरी कबूल कर दी। घुटने टेकना तो हार मानना। अंग्रेजों ने गांधीजी के आगे घुटने टेक दिए। नेक रास्ते पर चलना, सही रास्ते पर चलना। संत हमको नेक रास्ते पर चलने की सीख देते हैं। आंखों का तारा बहुत प्यारा, माँ के लिए बेटा अपनी आंखों का तारा है। कान फूफना किसी के विरुद्ध कुछ कहना। कई लोग सास बहू के कान फूंक कर उनमें झगड़ा कराते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों आज आपने हिंदी दैनिक पत्र जोयो, बराबर? तो तेनो स्वाध्याय पण जोयो। तो विद्यार्थी मित्रों स्वाध्याय पोथीनी अंदर हिंदी दैनिक पत्रनो स्वाध्याय पूरी तैयार करवानो रहेशे। अहीं आगळ आपणो 11મો પાઠ સચ્ચા બાલક પૂરો થાય છે। સ્વાધ્યાય અભ્યાસ જો નોટબુક્સની અંદર ના લખ્યું હોય તો લખી દેવાનું। ગૃહ કાર્ય છે આજનું તમારું। સ્વાધ્યાય પોથીમાં 11મું ચેપ્ટર સચ્ચા બાલક આખું પૂરું કરી દેવાનું। અને હવે
આપણે આગળ 12મો પાઠ દુમદુમા ગાંવ કે બચ્ચે આગળના વિડીયોમાં અભ્યાસ કરીશું. નમસ્કાર.